यहाँ आए थे, हमें नेक में और हैंड में तकलीफ थी, दर्द था, तो उसी को डॉक्टर साहब को दिखाने आए थे। उसको इन्होंने सिटी स्कैन लिखा, सिटी स्कैन करवाए तो हमको आराम से सिटी स्कैन हो गया, कोई पैसे वैसे नहीं लगे। अगर आपको सिटी स्कैन कराना है तो पैसे को लेकर कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। योगी सरकार अब 1 रुपए में मरीजों का सिटी स्कैन करवा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये सुविधा शुरू हो गई है, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की। सुल्तानपुर के मरीजों को 1 रुपए में सिटी स्कैन की सुविधा मिलने लगी है। कहाँ है सिटी स्कैन सेंटर? सुल्तानपुर जिले में सीएमओ ऑफिस के बगल में ट्रॉमा सेंटर में सिटी स्कैन सेंटर खुला है। इस सेंटर पर 24 घंटे मरीजों का सिटी स्कैन होता है। सांसद मेनका गांधी और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के प्रयास से इस सिटी स्कैन सेंटर का शुभारंभ हुआ है। कैसे होगा सिटी स्कैन? मुफ्त में सिटी स्कैन कराने के लिए मरीज को किसी भी सरकारी अस्पताल में 1 रुपए का पर्चा बनवा कर डॉक्टर को दिखाना होगा। सरकारी डॉक्टर जब सिटी स्कैन कराने के लिए एडवाइज करेगा और 1 रुपए के पर्चे पर सिटी स्कैन कराने के लिए रिकमेंड करेगा, तो मरीज को ये पर्चा लेकर ट्रॉमा सेंटर के सिटी स्कैन सेंटर पर आना होगा। अभी डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, दवा देंगे, रिलीफ होगा तो और अच्छा होगा। 1 रुपया भी नहीं लगा आपका? नहीं नहीं, ये पैसे नहीं लगे और बहुत अच्छी व्यवस्था है। कैसा महसूस हो रहा है आपका फ्री में सिटी स्कैन हुआ? अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। सिटी स्कैन सेंटर पर 10 मिनट में मरीज का मुफ्त में सिटी स्कैन हो जाएगा। अगर आपको सिटी स्कैन कराना है तो आप मुफ्त सरकारी सुविधा का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।